नमस्कार दोस्तों, मेरा मोबाइल टूट गया है जो कि पूरा बर्बाद हो गया है। कल रेलवे NTPC के हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जिसमें पुलिस वाले ने आंसू गैस के गोले और लाठी से मारना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा मोबाइल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यही एक मोबाइल थी जो कि मैं भी एक NTPC के छात्र हूँ, और एक छोटा सा यही यूट्यूब चैनल था जो कि मैं भी अपने भाई के साथ लाइव कर रहा था। तो वह इसी समय पुलिस वाले मारने लगे और इधर उधर भागने लगे अभ्यर्थी, जिसमें मेरा मोबाइल भी नीचे पैरों के तले दब गया, जिसके कारण मेरा मोबाइल बर्बाद हो गया पूरा। जो कि एक ही मोबाइल से हम दो भाई हैं और दोनों भाई अपने मोबाइल से वीडियो बनाते थे, लेकिन आज से वो भी समाप्त हो गया है। और दोस्तों, मैं इसे बताने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे दुख होता है कि सिर्फ हम लोग ही अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और सभी कोई के इसमें फ़ायदा होता है। जो कि भारत के बहुत से राज है, वहाँ से कैंडिडेट आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हम लोगों का थोड़ा दुख होता है कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए। क्योंकि बहुत दिन से हम लोग मेहनत पढ़ाई करते थे कि NTPC रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि सरकार के रवैया के कारण, जिसमें एक साधन था। हम भी सोच रहे थे कि यूट्यूब से कुछ पैसा कमाकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे, लेकिन आज वो भी चला गया है। तो दोस्तों, इसीलिए दुख होता है कि हम लोग एक साथ कभी नहीं आते हैं, जिसके कारण, क्योंकि एक साथ थोड़ा बल मिलता है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि सब भाई हैं तो चलो कोई बात नहीं है। हम लोग भी कैसे कैसे पढ़ रहे थे और सोचे कि एक यूट्यूब चैनल थोड़ा से बना लें तो 10-20 रुपया आ जाएगा, तो इसमें कितना देर घर से पैसा मांगे। एगो तो किसान के हम लोग लड़का हैं, कोई उतना बड़ा घर के लड़का नहीं है, तो इसके कारण यह किए थे। और जिसे वीडियो शूट कर रहे थे वो तो मोबाइल ख़त्म हो चुका है। अब एक मेरे पास है कीपैड छोटा सा मोबाइल है, तो उससे तो वीडियो बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो थोड़ा कभी कभी किसी से मांगा जाएगा। और मेरा चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो पैसा आने में समय लगेगा, जो कि आएगा तो मिला जुला कर एक मोबाइल ख़रीदा जाएगा। और आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, सोच रहा था कि रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन मोबाइल भी चला गया। इसी यही सब कुछ सोच रहा था कि अब कैसे कोई काम होगा, क्योंकि मेरा पिताजी किसान है, कोई बड़ा नौकरी और जॉब नहीं करते हैं इसीलिए। तो दोस्तों, आप लोग प्यार स्नेह बनाए रखें, जो कि मैं कल ही आप लोगों को वीडियो में बताना, लेकिन किसी के पास किससे मोबाइल मांगे जाएं और बताएं, और उस मोबाइल में तो लॉगिन भी करना पड़ता है ईमेल से ना, तो ये था दूसरा का मोबाइल है, वहाँ से लॉगिन भी किया। बहुत करने के बाद अभी वो सोया हुआ है मेरे भाई, जिसका उसी के रूम में मैं सोया हुआ हूँ, तो मोबाइल मांग कर यह वीडियो शूट किया। आपको अंधेरा है इसलिए अपना फेस भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखें, क्या कीजिएगा, अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। देख रहे हैं कब तक सरकार रजाई तो शक डाल कर सो रही है। हम लोगों को सुनने, सरकार से यही है कि हम लोगों को भी आवाज़ सुने।
एक व्यक्ति को चार जगह रिजल्ट देने के क्या इनको हो गया है? सब कोई को बराबर बराबर बांटना चाहिए। अभी देखिए ग्रुप डी में भी हम लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब दो सीबीटी एग्जाम होगा, बताइए। तो दोस्तों देखते हैं, किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और भाई से मोबाइल मांगकर, क्योंकि बार बार दूसरे में लॉगिन भी करना, मोबाइल या चैनल हैक भी हो सकता है, बहुत ऐसा भी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।